नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या कि खेत के अंदर राख क्यों डाली जाती है? आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से, हजारों सालों से खेत के अंदर राख डाली जाती है, बगीचे में राख डाली जाती है, और इसके पीछे बड़ा ही जबरदस्त कारण है। और आज के टाइम में जब ऑर्गेनिक खेती होने लगी है तो ऐसे में राख की मांग बढ़ने लगी है। कितना गजब है ना, अपने घर के जो चूल्हे हुआ करते थे वहां पर गैस सिलेंडर आ गए, और जब गैस सिलेंडर आ गए तो राख की मांग बढ़ने लगी। खैर, जानते हैं कि राख के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसे खेत में डाला जाता है। तो शुरुआत करूं वीडियो की, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि राख के अंदर 20% कैल्शियम होता है, 5% पोटास होता है, और यही कारण है कि पोटास के कारण इसको जोड़ा, देखो कैसे जाता है कि पहले के जमाने में घड़े रखते थे, घड़ों के अंदर राख इकट्ठी की जाती थी, फिर उस राख को खेत में छिड़का जाता था, पोट के अंदर ऐश मतलब पोटैश, तो ये बताया जाता है। हालांकि 5% पोटास होती है इसके अंदर, और इसी के साथ साथ 2% इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एल्यूमिनियम, बोरोन, मैग्नीज, आयरन ये भी पाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, होता क्या है कि ये राख कौन सी होती है इसको भी थोड़ा समझना होगा। ये नहीं कि कागज जल गए उसकी राख है, अगर प्लास्टिक जला हुआ है उसकी राख है, वो सब चीज़ें नहीं। केवल मात्र लकड़ी की जो राख होती है उसी का इस्तेमाल यहाँ पर खेत के अंदर किया जाता है, और आप लोग कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब कोई भी लकड़ी जलेगी तब वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, वहां पर कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, और उस वजह से वो जो भी मटेरियल बनेगा यानी राख जो बनेगी, वो जब आप खेत में डालेंगे तो उससे सोइल की जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो भी पौधे ऐसे हैं जिन्हें जो ज्यादा पीएच वैल्यू में सर्वाइव नहीं करते, उनके अंदर आपको राख नहीं डालनी। स्वीट पोटैटो है, जैसे आपका पोटैटो है, ये थोड़ी कम पीएच वाली ज़मीन में होते हैं, तो इनके अंदर आप नहीं डाल सकते। जो ज़्यादा पीएच वाले में, जैसे लहसुन है, जैसे प्याज है, इनके अंदर आप राख को डाल सकते हैं। खैर, आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो पोट ऐश वाला जो कारण है, इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि पुराने ज़माने में जब डिटर्जेंट नहीं हुआ करते थे, कपड़े धोने वाले साबुन नहीं हुआ करती थी, तब लोग क्या करते थे, पोट के अंदर ऐश डालते थे, मतलब घड़े के अंदर राख डालते थे और उसके अंदर पानी डाल देते थे, और उसमें से जो पानी, राख नीचे बैठ जाती थी, एक धुंधला सा पानी जो है ऊपर आ जाता था, उस पानी को निकाल लिया जाता था और उसके अंदर कपड़ों को भिगोकर रख दिया जाता था। यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जैसे आपके डिटर्जेंट की पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, वैसे ही राख के पानी की पीएच वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो वो कपड़ों को आसानी से साफ कर देता था। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने कई अच्छी अच्छी वीडियो जो है, बंजर भूमि में भी खजूर की खेती हो सकती है उसकी वीडियो बना रखी है, इलायची की खेती की वीडियो बनाई है, और अभी अभी एक कोकोनट की वीडियो बनाई है, तो ये सारी वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। देखते रहिए एबीसी इंडिया।